जय हिंद। आप ट्रेंडिंग खबर देख रहे हैं और अभी हम लोग हैं महाराजगंज के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में, जो कई कॉलेज रोड RBGR में के पास है। और अभी हम लोग इस स्कूल में आए हैं क्योंकि आज भोजपुरी का राष्ट्रीय भोजपुरी समिति का 5वां अधिवेशन हो रहा था महाराजगंज बाबा स्कूल के प्रांगण में। और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए एक समिति बनाया गया है, एक आवाज़ उठाया जा रहा है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। तो उसी का सपोर्ट में, समर्थन में सेंट जोसेफ स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, सारे टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आज रैली निकाले थे महाराजगंज में। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं सेंट जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर से और हमारे सर से, जो हम भी स्कूल के पुराने स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का इस चैनल। धन्यवाद। क्या सर, आप आज गए थे भोजपुरी का 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को जोड़ने के लिए, क्या भोजपुरी 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ना चाहिए। ताकि हमने करीब 40 साल से आपके बीच में हैं जी, तो उसी साल से हम इस भाषा को हम सुनते हैं। शुरू शुरू में इस भाषा को मैं समझता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस भाषा को भी समझने लगा। तो उसके अलावा ऑल ओवर हमने इंडिया में देखा जाए तो सभी स्टेट में हमारे बिहार के लोग हैं, और स्पेशली हमारा स्टेट जो केरला है, वहाँ से हमें 3 लाख से अधिक लोग जो है आपके यहाँ हमारे रहते हैं। उन लोग से कभी भी बात भी होते हैं तो कभी कभी एक दो शब्द हम भोजपुरी कहते हैं, उन लोग को बहुत खुशी हो जाती है। तो उससे हमको महसूस हुआ उन लोगों को भाषा से कितना प्रेम है। तो उस तरह की भाषा हमारा इसी में जोड़ा जाए तो हर तरह से हम कुछ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो प्रॉपर केरला के हैं, जो कि तमिल बोलते हैं। लोग भोजपुरी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, बट 30-40 साल से यहाँ पे संस्थान चला रहे हैं और ये संस्था चल रहा है 30-40 साल से, तो कुछ जान गए। तो एक दो वर्ड सर से सुनेंगे भोजपुरी के। क्या हलवा दूसरे क्या पूछेंगे थोड़ा बहुत जानते हैं बस और कोई वर्ड नहीं, जैसे कुछ कहने पर तो उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन ऐसे ठीक है कैसे हो इस तरह सब कहते क्या हलवा ये पूछते हैं हम लोग। और लेकिन लोग जो आते हैं बोलते हैं, सबको भाषा हम लोग समझते हैं। भोजपुरी भाषियों को, बिहारियों को आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो अगर एडुकेशन के हिसाब से हम देखा जाए, हमारे एडुकेशन सबसे पीछे हैं जो बिहार में, उसका परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए हर तरह से। उसका किसी भी स्कूल में पढ़े, हर बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। ये प्रत्येक गार्जियन से हम लोग का अनुरोध है, प्रत्येक बच्चों को सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, किसी स्कूल में भी उनको भेजना चाहिए ताकि उसका एडुकेशन पूरा हो सके। भोजपुरी जो आप बोल रहे हैं एजुकेशन को, एजुकेशन मतलब अभी बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है और गरीबी के कारण लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हर लोग, और सरकारी स्कूल में तो गवर्नमेंट के टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं सारे बीएड करके आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं हो जो बीएड ना करके आए, सीटेट लेके ना आए। और प्राइवेट स्कूल में ऐसे भी टीचर्स आते हैं कुछ जो 12th पास हो, लेकिन वो अपना पूरा टाइम स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में देते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल के बीएड टीचर्स आते हैं जिनके पास पूरा नॉलेज है, वो अपना नॉलेज किसी को देना ही नहीं चाहते, यह सच बात है। अब इस तरह की जैसे बहुत से टीचर को हम जानते हैं, बहुत अच्छे जानकार भी है, और जहाँ तक कई टीचर को हम इसे जानते हैं कि बहुत जानकार है लोग, ऐसी बात नहीं कि जो नहीं पढ़ाता हो सकता है कोई उस तरह का नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उस तरह में बहुत से टीचर्स है जिसको जानकारी नहीं है, लेकिन पुराने जो भी टीचर्स है अच्छे जानकार है, पढ़ाते भी है, कोर्स भी कंप्लीट करते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ देखने को मिला है कि कोर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। मेन कारण है कि हमारे यहाँ बिहार, स्पेशली बिहार में छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा है, वर्किंग डेज बहुत कम है, उसी कारण से भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ये सब इसका मेन कारण है। अगर भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाएगा तो क्या अपने स्कूल में आप भोजपुरी पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बाद भोजपुरी पढ़ाएंगे? एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ मलयालम है, मलयालम बोला जाता है, मलयालम एक सब्जेक्ट है, तमिलनाडु में तमिल है, कन्नड़ है, बंगला है, ये सब है, तो क्यों भोजपुरी क्यों नहीं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी उसमें जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमने इतनी सारी धन्यवाद दी। और अभी हमारे साथ सेंट जोसेफ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू। भोजपुरी भाषा को लेकर आपकी क्या राय है? आप मैं केरलाइट हूँ। अभी केरला से? अच्छा, हमको लगा मैं भी केरलाइट हूँ, अभी बिहार में आया हूँ। सर जैसे बोले थे बिहार एजुकेशन में पीछे हैं, पर अभी शायद बॉलीवुड और पंजाबी के बाद भोजपुरी सॉन्ग्स ज़्यादा हिट हो रहा है ना, तो लोग भोजपुरी सुनने लगे हैं, है ना, तो भोजपुरी लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंस में आने लगे जी। भोजपुरी का IPL चला और
आईपीएल का एक ऐसा रिकॉर्ड रहा भोजपुरी भाषा का जो कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला भाषा रहा। इस बार सबसे ज़्यादा देखा गया है, एक दिन का रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक का पूरे आईपीएल का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा को सुना गया। हाँ, मैं उसका एक रील देखा था। भोजपुरी भाषा में एक पोएटिक फ्लो है ना, तो उसमें सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। हिंदी से ज़्यादा उसमें एक वो इम्पैक्ट है, पोएटिक इम्पैक्ट, सो दैट इज़ वाई पीपल वुड लाइक भोजपुरी मोर। आप हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा लोग समझ पाएंगे क्योंकि सारे लोग यहाँ के हिंदी। ओके, आपकी क्या राय, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए? देखो, इंडिया का जितना नेशनल लैंग्वेजेस है जो इम्पोर्टेंस में आ रहे हैं उसको तो जोड़ना चाहिए, है ना। तो उसमें लॉजिकल है, इट इज़ ए लॉजिकल पाथ, वो एक लैंग्वेज फेमस हो गया तो उसको जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोग केरला के होके इतनी मतलब बड़ी बात बोल दी भोजपुरी के बारे में, बिहार के बारे में, सो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम लोग बिहार के एक टीचर से बात करेंगे जो कि सीनियर टीचर्स हैं। सो अभी हमारे साथ बिहार के एक टीचर जो कि यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं और भोजपुरी भाषा के प्रति मतलब सब चीज़ जानते हैं भोजपुरी भाषा को लेकर, और इस स्कूल के सीनियर टीचर हैं हमारे टीचर रंजीत सर, का स्वागत करते हैं इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को और आपको कि इस भोजपुरी दिवस के अवसर पर 8 अप्रैल को जो कि सेंट जोसेफ स्कूल में आयोजन किया गया और बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे निदेशक महोदय का सर्वाधिक योगदान है। चूँकि यह स्कूल विगत 40 वर्षों से कार्यरत है और अभी यह स्कूल 10+2 हो गया है, जिसमें हमारे शहर के ही नहीं आसपास के गाँव के भी बच्चे जो है इनसे जुड़े रहे हैं, और यह विगत 40 वर्षों से हमेशा ये ज़िले में प्रथम रहा है, आज भी ज़िले में प्रथम है। और मुझे इस बात का गर्व है कि इस भोजपुरी दिवस के अवसर पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं और भोजपुरी को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। मेरी ईश्वर से यही शुभकामना है कि यथाशीघ्र जितना जल्द हो सके यह भोजपुरी जो है संवैधानिक भाषा के रूप में अपना दर्जा प्राप्त करे। आप जो बाहर में एंकरिंग कर रहे थे वो काफ़ी मतलब सराहनीय था। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हिंदी में बोलते हैं लेकिन भोजपुरी में इतना अच्छा एंकरिंग, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा लगा। सब संस्कृति के रीति रिवाज के भाषा के सब कुछ जान माता जाते जाता ये बच्चा सब रोगा से एक एक गोली होवा मारे करे कि ऐ सभी भोजपुरी भाषा भाषी लोग रोगा सभी भी एक भोजपुरी मंच पर एक साथ आई अब भोजपुरी के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय दर्जा दिलाए खातिर पूरा अहम योगदान। सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो यहीं इसी धरती का जन्मा हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे इस विद्यालय में काम करते हुए लगभग 18 साल हुए, और सबसे अधिक मुझे स्नेह अगर किसी से मिला, किसी से कृपा प्राप्त हुई, तो वह मुझे निदेशक महोदय से आज भी मुझे मिलता रहा, और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा, वो कुछ जाना जो कि मैं अपने जीवन में नहीं जानता था। आज भी मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूं कि इस स्कूल के डायरेक्टर सीओ पुनु सर के ही माध्यम से मैं आज यहां हूं, और इसके बाद भी अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इन्हीं की कृपा होगी। सर, आप स्कूल का एडमिशन के लिए बोले 11th 12th, स्कूल एडमिशन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कोई इच्छुक हो तो आके एडमिशन करें। निश्चित रूप से यह स्कूल जो है विगत 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, यहाँ जितने भी स्कूल हैं पूरे ज़िले में उनमें अव्वल रहा है। आप इसके पहले के भी रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में जो हैं आगे रहें। केवल यही नहीं, वे राज्य स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सम्मान को पाया। इसलिए मैं पूरे महाराजगंज वासियों से ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी यह आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा, निहोरा करूंगा कि वे अपने बच्चों को, छात्र छात्राओं को हमारे स्कूल में भेजें ताकि हम उन्हें देश का एक अच्छा नागरिक बना पाएँ, एक देश का जो है योग्य उन्हें आदमी बना पाएँ, ताकि वे अपने अभिभावक का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। स्कूल एड्रेस बता दीजिए दोनों स्कूल का। स्कूल का ये जो एड्रेस जो यहाँ से हमारा कार्यक्रम संचालन हुआ वह कॉलेज रोड महाराजगंज में स्थित है, जहाँ पे अभी क्लास नर्सरी से लेकर
जो है 7 क्लास तक कार्यरत है। जो नई बिल्डिंग जो है हमारी पसनौली रोड में रामापाली में बनी हुई है, वहाँ पे क्लास 8 से लेकर 12 तक जो है संचालित है, जिसमें हमारे विद्यालय में एक से एक योग्य शिक्षक, सभी विषयों के निपुण शिक्षक जो है, जिनको कहा जाता है कि अपने विषय के महारत वैसे वैसे शिक्षक हैं। और हम सभी चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जनता जनार्दन अपने बच्चों को यहाँ भेजें ताकि हम उनके उज्जवल मंगल भविष्य को बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आप देख रहे थे ट्रेंडिंग खबर और आपने देखा आज हम सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में थे और ये लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं और उसके बाद भोजपुरी भाषा को इतना ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप भी भोजपुरी भाषा को सम्मान दीजिए, अपने बच्चों को थोड़ा सा, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा भोजपुरी बोलना ज़रूर सिखाइए। सो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा, और अगर आपके भी बच्चे का एडमिशन कराना हो तो आके इस स्कूल में कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।